बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आइटम्स, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन वो मैं अपलोड कर रही हूँ, आप इसमें देख लीजिए। इंशाल्लाह ताला बाकी असबाक जितने भी कराऊँगी, जो मेरे पास मटीरियल हुआ मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि आप जिससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ उठा सकते हैं। इसके साथ बाकी चैप्टर का जो है लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको एक ही जगह से ज़्यादा जगह ढूंढने की ज़रूरत पेश ना आए। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सेल्फ असेसमेंट के तौर पर लिए गए हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व कीजिए, इनको पढ़िए, इनको समझिए, ताकि आपकी हर तरीके से अच्छी तरह तैयारी हो जाए। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री FFBIC फेडरल बोर्ड के सिलेबस के एन मुताबिक ये सारे सवालात कराए गए हैं बच्चों को। इनको देखिए, इनको पढ़िए, इनको समझिए, हर लिहाज से। कोई क्वेश्चन दो दो दफ़ा भी रिपीट हुए हैं, आप उनसे देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिख सकते हैं आप, आपका ही फ़ायदा होगा इससे। ये पहले भी था, ये अब भी क्वेश्चन दोबारा आ गया, पहले शॉर्ट में था, अब ये लॉन्ग में है। आप देख लें आप इसमें से कितना जो है ना पिक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप इसके आंसर लिखिए। क्लास नाइन फेडरल बोर्ड सिलेबस सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इसका सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके कुछ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन वो मैं अपलोड कर रही हूँ, आप इनको देखिए, समझिए, पढ़िए, इसे फ़ायदा उठाइए। ये आपके MCQs के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये चैप्टर टू के केमिस्ट्री चैप्टर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास नाइन्थ फेडरल बोर्ड का सिलेबस, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको देखिए, इनको नोट कीजिए, इनको पढ़िए, याद कीजिए। ये तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बाकी आप अपने चैप्टर का पूरा जो है ना वो तैयारी कीजिए, ताकि उसमें कोई चीज़ आपकी रहने ना पाए। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड सिलेबस वो तमाम क्वेश्चन, क्योंकि अब आपका बेटा सारे SLS बेस्ड हैं, आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, और उसके क्वेश्चन तो किसी तरह भी बनकर आ सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह ताला आप उसको, आपके लिए वो सबसे बेहतर होगा, उसको हल करने में, उसको याद करने में, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन बनने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री जो बच्चे लेते हैं उनको एक एक चीज़ पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक अच्छी तरह पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह भी बनकर आ सकता है। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं बाकी जो चैप्टर्स हैं जो करती जाऊंगी, साथ साथ मैं उसका लिंक देती जाऊंगी, आप वहां से आसानी के साथ देख सकते हैं। ये डिफरेंट बच्चों की कॉपी से लिया गया है, आप इनको देखिए, इनसे फ़ायदा उठाइए। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर, इसके कुछ नोट्स आपके सामने हैं, इनके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आपको क्लियर नज़र आएगा, या फिर वीडियो स्टॉप करके लिखिएगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और याद भी करने में भी। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म रिस्क में बरकत अता फरमाए और दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए, और आप लोगों के इल्म में आपको बरकत वाला इल्म दे। आमीन।
सुमामी या रब्बुल आलमीन।